हमको अदानी अंबानी का बेटा नहीं है जो कहेंगे बिना पढ़े लिखे बीसीसीआई का सेक्रेटरी बना दीजिए। हम छात्र हैं, हमको आप मेरा हक दे दीजिए, हम पढ़ लिख के ले लेंगे। आप मेरा हक दे दीजिए, 5600 दे के लॉलीपॉप दिए हैं, उठ के मुंह में जी रहा। जो भारत के इतिहास में वो पहला आंदोलन था जो उतना दिन तक चला था और सरकार को झुकना पड़ा स्टूडेंट के आगे, और उससे भी बड़ा आंदोलन इस बार होगा और सरकार को हर हाल में झुकना में, तो उस समय रेल मंत्री बोला कि यहाँ सीट खाली है। आखिर आपका सीट कहाँ गया? समय समाप्त हो गया, सीट भी समाप्त हो गया। जब तक आप सीट नहीं दीजिएगा तो हम लोग मानने वाले में से नहीं है, और आप नहीं मानेंगे। और आप लाठी के मार दीजिए, मार दीजिए, ऐसे भी मार दीजिएगा, मरने के लिए तैयार है। बिना वैकेंसी का भी मर रहे हैं ना, लाठी भी मारिएगा तो मर जाएंगे। यह जानेगा कि मेरा बेटा नौकरी के लिए आंदोलन कर रहा था, सही हो गया, मर गया, मर जाएंगे। हम लोग आप लोग आगे बढ़िए, हम लोग चलते हैं। हम लोग सरकार के खिलाफ नहीं है सर, हम आप लोगों के खिलाफ नहीं सर। छात्रों के हित में क्या कुछ कहा जा रहा है सर? सर सुन पा रहे हैं? छात्रों के हित में क्या कुछ कहा जा रहा है? उनकी सारी जो भी मांगे सुनी जाएंगी। क्या अपील कीजिएगा छात्रों से? लगातार 3 दिनों से पढ़े लिखे युवा सड़क पर है, लेकिन कोई भी रेलवे की तरफ से वैकेंसी अब बढ़ाने को लेकर नोटिस नहीं आ रहा है। अभी आई है, 29 तारीख के डेट में आया है, और उसमें कुछ नई वैकेंसी के बारे में जिक्र की गई है जो मैंने इन्हें बताया भी है। और इन्हें बस शांतिपूर्वक ढंग से जो भी इनका प्रोटेस्ट है, जो भी चीजें कहती है, कहना चाहते हैं, ये अपने तरफ से एक लिखित ज्ञापन दे। हम ये इनसे डिमांड कर रहे हैं, लिखित ज्ञापन, हाँ कुछ लिखित दे जो हमें, हम जो उचित जो भी प्राधिकार है, जो भी उसकी अथॉरिटी है, उनके तक हम उनका सूचना पहुंचाएंगे। बस यही हम इनसे अपील करेंगे, और उसके बाद अगर हम चाहेंगे कि उग्र ना हो, ना ये उग्र हो, और शांतिपूर्वक जो है इसका हम लोग भी जो है मिल करके एक सोल्यूशन निकाल। सर कल भी छात्र शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन कुछ ऐसे लोग इसमें शामिल हो गए जो छात्रों को उग्र करने की कोशिश कर रहे थे, हालांकि बाद में पुलिस प्रशासन को थोड़ा लाठीचार्ज भी इन पर करना पड़ा था। क्या अभी तक का आंदोलन शांतिपूर्ण है कि नहीं है? शांतिपूर्ण है, शांतिपूर्ण रहे, यही बस अपील है। सब कुछ माना जाएगा, एक संविधान के दायरे में रह करके जो भी करना चाहिए वो ये कर सकते हैं। हम इनमें कोई रोक नहीं है, जो भी अलाउड है पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन, वो पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन ये कर सकते हैं। संवैधानिक तरीके से अगर करें तो प्रशासन जी साथ जी कोई, हम एकदम साथ है, कोई इशू नहीं है। संविधान का अगर ये अनुपालन करते हैं, कानून का अनुपालन करते हैं, तो सब कुछ अलाउड है, कोई ऐसा नहीं है। लेकिन उग्र नहीं होना है। देखिए हम भी इनके दर्द को समझते हैं, सब समझते हैं, हाँ मैं भी दर्द को समझता हूँ, इसलिए मैं बोल रहा हूँ हम इनके साथ है। हम नहीं चाहते कि इनका कुछ भी गलत हो, ना फिजिकल हार्म हो, ना मेंटल हार्म हो, ना इनका करियर खराब हो, इसीलिए जो भी इनका है। क्या प्रशासन की तरफ से रेलवे के जो चेयरमैन है या जी अधिकारी है उनको सूचित किया गया? जरूर 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 सूचित किया गया है। आगे भी ये भी अपना जो ज्ञापन देंगे वही वर्जन और एज इट इज जो है हमारे तरफ से जो है वो उचित जो भी होंगे वो उनको सूचित किया जाएगा। हाँ करेंगे करेंगे, देखिए वही मैं बोल रहा हूँ, रेलवे के उचित अथॉरिटी तक जाएगा वो सूचना, ये मैं गारंटी ले सकता हूँ कि हमारे तरफ से वहाँ तक जाएगा ये प्रशासन वहाँ तक चीजों को पहुँचाएगी। जी जी जरूर 100% ये होगा, लेकिन इसीलिए मैं बोल रहा हूँ पीसफुल होगा। कब तक का उसका है ही नहीं, उसका वो आप इमीडिएटली दीजिएगा, इमीडिएट पहुंचेगा, इमीडिएट रिस्पॉन्स आएगा, वही है। हाँ लिखित भी देने के लिए कोई इशू नहीं है। जरूर जरूर बाबू, एक आदमी बात करता है। हम हड़ताल क्यों कर रहे हैं? कल कहा गया ना 29 तारीख को आया है, और आपकी मांगों पर
देख सकते हैं कि सारे जो बच्चे हैं ना, बच्चों के डिमांड को लेकर के आईपीएस अधिकारी आए हुए हैं, और हालांकि फिर भी छात्रों द्वारा मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं, प्रशासन मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं, सरकार को मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। हालांकि इस मुद्दे को लेकर के आईपीएस अधिकारी यहां बच्चों के बीचों बीच पहुंचे हुए हैं, मामला जो है आगे चल रहा है, बच्चों से बातचीत भी चल रही है। हालांकि आपने पूछा और सुना भी किस तरीके से आईपीएस अधिकारी जवाब दिए हैं, हालांकि उनका यह कहना है कि हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि मांगों को पूरा किया जाए, लेकिन अब ये देखा जाएगा कि छात्रों के बातों को पूरा किया जाएगा या नहीं पूरा किया जाएगा। इस तरीके से हालांकि छात्र तो बड़े उग्र हैं, और हालांकि बिना खाना या बिना पानी के छात्र आंदोलन कर रहे हैं, और सबकी मोह मोह हो चुका है, लेकिन फिर भी छात्र का यह है कि छात्रों का अधिकार है मांगने का। उनका यह कहना है कि आज नहीं मिलेगा तो कभी नहीं मिलेगा। कई दिनों से ये आंदोलन लगातार जारी है, लेकिन फिर भी कोई रिजल्ट आने की उम्मीद नहीं है। सर आंदोलन का कॉपरेट कीजिए सर, सर प्लीज सर, हम लोग पूरा संवैधानिक मूल्यों से ही अति करेंगे, आंदोलन करेंगे सर, उग्रता के साथ आंदोलन नहीं करेंगे सर, प्लीज सर, मेरे बातों को सर वही रखा जाए सर। एक छात्र जो है लगातार गुहार लगाता रहा कि सर हम लोग आंदोलन करने की बिल्कुल आजादी दीजिए, जो आर्टिकल जो है आजादी हम लोग को दिया हुआ है वो आजादी हम लोग को मिलनी चाहिए, कोई प्रदर्शन नहीं होगा, हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करेंगे। अरे बाबू कहाँ निकलोगे, देखिए सिंपल सी बात है, आप लोग आराम से रहिए, शांति से रहिए, हम लोग यही अपील कर रहे हैं, मैं नहीं कटवाऊंगा, अनलेस आप लोग वायलेंट होइएगा तो हम लोग वायलेंट नहीं होंगे, मैं बोल रहा हूँ, फिर आप लोग क्यों लीड कर रहे हैं, फंसना चाहते हैं बताइए, अगर आप कंट्रोल नहीं कर सकते तो मत लीड कीजिए, मैं बता रही ये लाइफ का एक अपना आपके पीछे जो है कुछ कोई गलत करेगा तो आपको हमेशा वो आपका लाइफ का एक कंट्रोल होना चाहिए, बैठ के लड़के आप लोग भी बैठ जाए, बैठा दे सर, सर रेलवे को अधिकारी बुलाया जा रहा है, अधिकारी नहीं बुलाएंगे, आप लोगों में से कुछ का ज्ञापन लेंगे, अरे ज्ञापन पूरा यूट्यूब पे आएगा, वो सब कुछ पे जाएगा, हम लोग भेजेंगे डीएम उस पर, एसडीएम उस पर हस्ताक्षर कर देंगे आपका, समझ गए, अभी आप बता दीजिए ना बच्चों क्या करना है, अभी आप लोग बैठ के ज्ञापन लिखिए, बढ़िया से एक बढ़िया सा उसका फोटो आएगा, ये ज्ञापन है आपका, आप लोगों को जो जो उसके मेन ब्लॉक है वो साइन कर चाहे तो कर सकते हैं, नहीं करना चाहे तो अनोनिमस ही रहेगा, कि ये हमारी डिमांड्स है और ये हम लोग इतना टाइम फ्रेम में जो भी बताना चाहते हैं। संजीत कुमार सिंह नाम है, मेरा घर दबाया, शांति को मार्गदर्शन कर रहे थे, मगर कोचिंग संस्थान में पटना एसपी को लिखित दिया जा रहा है आईपीएस अधिकारी द्वारा, देखते हैं क्या संज्ञान में बातों को लिया जा रहा है, छात्रों के प्रति कितना परसेंट काम किया जाएगा। हालांकि इनका कहना है कि हमारी मांगे पूरी करो, देख सकते हैं कि सारे छात्र जो है वैकेंसी की मांग को लेकर के लगातार नारे लगा रहे हैं, और हालांकि छात्रों का जिंदाबाद और मुर्दाबाद के नारे बिल्कुल रुक नहीं रहे हैं, मोदी चोर है के नारे लगाए जा रहे हैं, मोदी मुर्दाबाद, 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 हमारी मांग को तोड़ने के लिए चुनाव का ये सब तैयारी है, अल्लाह नहीं करो साइलेंस से रहो, अब उग्र कोई मत हो,
कोई उग्र मत हो, मैं बता रहा हूँ उग्र होने से कोई नहीं, अपना मांग रखो, सर से बात करो, जाइए बात करो, प्रशासन आप लोगों के साथ में ही है, कोई आप लोगों के ना सब प्रमुख अंशुक्रिया देखिए इसमें कोई लीडर है तो एग्जाम का फॉर्म भरवाने से पहले एग्जाम ले लीजिए इन लोगों से, अगर एग्जाम नहीं निकाल गए ठीक है। हमको अदानी अंबानी का बेटा नहीं है जो कहेंगे बिना पढ़े लिखे बीसीसीआई का सेक्रेटरी बना दीजिए, हम छात्र हैं, हमको आप मेरा हक दे दीजिए, हम पढ़ लिख के ले लेंगे, आप मेरा हक दे दीजिए, 5600 दे के लॉलीपॉप दिए हैं, उठ के मुंह में जी रहा, इससे काम नहीं चलने वाला है, वैकेंसी बढ़ाइए नहीं तो आंदोलन जारी रहेगा। लगातार मांगों कर लेकर के प्रदर्शन किया जा रहा है, सारे छात्रों का यही कहना है, सबसे बड़ी बात है सरकार 2022 के आंदोलन को भूल गई है, जो भारत के इतिहास में वो पहला आंदोलन था जो 17 दिन तक चला था और सरकार को झुकना पड़ा स्टूडेंट के आगे, और उससे भी बड़ा आंदोलन इस बार होगा और सरकार को हर हाल में झुकना पड़ेगा, जब तक सरकार नहीं झुकेगी हम लोग का आंदोलन जारी रहेगा, सारा कोचिंग संस्थान बंद रहेगा, सब सारा लाइब्रेरी बंद रहेगा, सारा लड़का जब तक वैकेंसी बढ़ नहीं जाती है तब तक लड़का एकजुट होकर आंदोलन करते रहेंगे, हम लोग आंदोलन करते करते मर जाए तो ठीक है, नहीं तो आंदोलन करते रहेंगे, नहीं तो सरकार के पास हमको, सरकार के पास तो गोली बंदूक कारतूस सब है, हम लोग के पास कुछ नहीं है, सरकार मार दे हम लोग को, सरकार देखते है क्या क्या बोलते हैं, माथा में हेलमेट लगा का या लोहा का, जबकि स्टूडेंट के पास कुछ है नहीं, खाली जेब है, देखिए कुछ है कुछ नहीं है, पुलिस प्रशासन को डंडा लेके गोली लेके हेलमेट लेके गड्ढा लगा के सुरक्षा कवच लेके, जो कर्ण को सुरक्षा कवच मिला था वही सुरक्षा कवच पुलिस को देखो सरकार भेज दिया, जाइए हमारे विद्यार्थी को बैठ के 10-10 मिलियन, पुलिस प्रशासन कहते हैं कि शांतिपूर्ण आंदोलन करो, आए प्रशासन कहते हैं कि शांतिपूर्ण आंदोलन करो, हम लोग शांतिपूर्ण आंदोलन 10-10 मिलियन टूट गए हैं, काहे नहीं सुना गया बात, अखने हम जाना चाहते हैं काहे नहीं जाना जान देने चाहते हैं, आए हम तो शांतिपूर्ण अखने आइटा लेके हम तोड़को आए यहाँ पर ही पत्थर लेके तोड़को आए हैं जो कि हम चलाएंगे आप लोग पर, हम तो शांति से जाना चाहते हैं, हम लोग को शांति से जा दीजिए, हम लोग को जो मांग है पूरा कराइए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, क्या आप सभी लोग काफी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन ये कोशिश करूंगा कि जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस मांग को पूरा करने के लिए पूरा कोशिश किया जाए, छात्रों के हित में परिणाम आए और सभी छात्र जो है अपनी रेलवे वैकेंसी का पूरा लाभ उठाए।